हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वासी ब्लॉग और सलाह से स्टाइल। चलिए आपको कराते हैं अपनी नगरी काशी की यात्रा गंगा घाट से। बनारस आए आप और घाट की जो स्पेशलिटी है उसके साथ साथ यहाँ का जो नाश्ता है, कचौड़ी घुघरी जो हम लोग कहते हैं, ये खा मिला मुझे बाइलक, क्योंकि अजब ही एक अलग ही स्वाद रहता है यहाँ का। और ये देखिए बहुत यम्मी था। मैंने एक प्लेट लिया 20 रुपीज़ प्लेट, 30 रुपीज़ प्लेट था, 20 रुपीज़ का हाफ प्लेट। तो ये मैंने लिया, राधा ने ये सुहाल लिया, इसको सुहाल बोलते हैं जो ये प्राइमरी शेफ में है। उसके बाद हम लोग खा पी करके नाश्ता करके उसके बाद हम लोग, क्योंकि जानते हैं बच्चे आजकल वेस्टर्नाइज हो गए हैं तो उनको ये सारी चीज़ें को इंट्रोड्यूस करना भी हम लोगों की जिम्मेदारी हो गई है। तो उसके बाद बच्चों को फोर्स नहीं किया क्योंकि खुद ही बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग था तो खुद में ही खाने में लगी हुई थी। उसके बाद मैं फिर बच्चों को लेके गई और घाट पे ना बहुत सारे टॉयज मिलते हैं प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से, तो वो सारे टॉयज और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे। आप सोचिए हम लोग बच्चों को मॉल से दिलाते हैं, कहाँ कहाँ से दिलाते हैं शॉप से, लेकिन यहाँ पे इतनी रिजनेबल प्राइस पे मिला था। और ये अभी तो नाश्ता ही चल रहा है मेरा, तो मैं अभी और खाती बट बच्चों के साथ ही, तो बच्चों का भी देखना था। ये देखिए प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से टॉयज, जिसमें कि ये जो आप कार देख रहे हैं जीप जो है वो अद्भुत ने लिया, अरुण ने फ्रूट ली, बांसुरी लिया, और ये माता शीतला के दर्शन कर लीजिए, शीतला जी के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ गए, दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आगे चले गए। अब हम लोग चलेंगे ऊपर क्योंकि मुझे कुछ ख़रीदना है अपना, एक बहुत ही ज़्यादा का, आई थिंक लॉकडाउन के बाद जो 2 ईयर्स का लॉकडाउन था उसके बाद ही मैं गई थी, तो काफ़ी और कुछ भी नहीं चेंज हुआ फ्रेंड्स। इतना काशी का एक बहुत ही अनोखा फ्लेवर है जो कभी नहीं बदलता है, इसीलिए तो एंशियंट कहते हैं इसको, तो प्राचीन एक प्राचीनतम नगरी है ये। और ये देखिए सभी लोग यहाँ से शॉपिंग, यहाँ के शॉपिंग की बात ही अलग है, सारे मॉल सारे शोरूम सब कुछ फेल है, सब कुछ फेल है यहाँ से अगर आपने शॉपिंग नहीं करी तो। अभी मैं आपको, और कपड़े की शॉप है सब जगह से, मैंने ट्राई भी किया था पर मैं ले नहीं पाई, नेक्स्ट टाइम लोग फिर जाएंगे लेने के लिए। और यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही प्यारी प्यारी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी, शायद कम हम लोग दिल्ली के सदर मार्केट और ये सब के नाम सुनते हैं ना, तो मुझे तो अपने बनारस का ये दशाश्वमेध का मार्केट ही बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे आप कभी भी आएंगे ना तो आपका मन ही नहीं भरेगा शॉपिंग करते करते, इतनी चीज़ें रहती हैं ना कि मन करता है बस ले के रखते जाओ। और बहुत ही अच्छे अच्छे थे चीज़ें, लेकिन मैंने काफ़ी सेलेक्टिव चीज़ें ही लिया क्योंकि फिर दोबारा जाऊँगी। और बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो वो भी साथ में जाते हैं, पहले क्या रहता ना कि बच्चे ये सब चीज़ें थोड़ा बोरिंग उनको लगता है, लेकिन अब बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। सबसे अच्छी बात है कि बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा दशाश्वमेध घाट। वैसे तो देखिए आजकल के वेस्टर्न टाइम में मतलब वेस्टर्नाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि लोग बच्चे मॉल और सिनेमा और ये सब में ही मशगूल रहते हैं, लेकिन बट बच्चों ने यहाँ साथ दिया। मैंने इनको देसी मार्केट, एकदम जो हम लोग की देसी लाइफ स्टाइल है उसको दिखाने की कोशिश करी थी इस जर्नी के थ्रू। और देखिए इन लोगों को पौधे दिखाया, ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये फ्रेश वेजिटेबल्स। और आता तो ज़िद्द करी थी कि मम्मा लेके चलो, कितना कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर इन लोगों को प्यास लग गई थी तो हल्का थोड़ा ठंडा था ये कोल्ड ड्रिंक, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था, तो ये इन लोगों ने पसंद किया और इन्होंने ज़िद करके लिया। तो मैंने कहा चलो बच्चों का टाइम था एंजॉय कर लेने दो। सच बता रही हूँ कि आने का दिल ही नहीं कर रहा था हम लोगों का वहाँ से, और भीड़ भी काफ़ी कम थी, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी निकल गए थे घर से, सुबह 10-10:30 के बीच हम लोग निकल चुके थे, बहुत से पहुँचे लोग 11 बज गए थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। ये देखिए थोड़ा सा कैमरा कैसे करना होगा, और आराध्या सर कर रही कि उसे क्या और चाहिए। मैंने कहा देखो भाई मम्मा के साथ हो तो खुल के अपना खाओ पियो, कोई वो नहीं है, वही सेलेक्ट कर नहीं पा रहे थे चीज़ों को। एक्चुअली वही सेम चीज़ देखिए वेस्ट कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं रहती है, वही कोल्ड ड्रिंक्स रहते हैं और जो ये सब हमें चल रहा है अभी वर्तमान में, पिज़्ज़ा रहता है, केक रहता है। तो बच्चे सोच रहे थे कि अरे ये तो वहाँ भी मिलता कुछ नया नहीं, और जो नया इन लोग को मिल रहा था वो सब इन लोगों ने थोड़े थोड़े ट्राई किए थे,
ये लोग देख रहे थे बस, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो ये लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो। ये जो ये कोडिंग इन्होंने फर्स्ट टाइम ये लिमका था जो कि आई थिंक यही मिलता है, तो बाकी सभी जगह तो थम्स अप, कोका कोला और पेप्सी और क्या क्या के आई डोंट नो क्या क्या कोल्ड ड्रिंक्स मिलते रहते हैं। तो ये कुछ नया लगा था अधिक को, तो उसने लिया फिर ये माजा। और अभी ये लोग एक पेपर बोट करके कोई कोल्ड ड्रिंक है बच्चों वाली वो लेंगे। तो बस बच्चों को थोड़ा सा कुछ भी यहाँ पे आई थिंक नया कुछ भी नहीं फील हो रहा था कि कुछ नया ट्राई करें यहाँ पे। ये देखिए अब ये लोग ट्राई कर रहे हैं नई नई चीज़ें, कंफ्यूज हो रहे हैं। जब आप बच्चों पर छोड़ दीजिए ना डिसीजन मेकिंग किसी के ऊपर भी, आप उनको कहिए कि आप डिसीज़न लो तो वो कंफ्यूज हो ही जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, तो फिलहाल बच्चे हैं अभी। तो ये देखिए काफ़ी लोगों को मज़ा भी आ रहा है, इंजॉय भी कर रहे हैं। मैंने काफ़ी लंबा इनको टाइम दिया यहाँ पे, इनको ये ना लगे कि मम्मा ने सिर्फ अपनी मर्जी करी और हम लोगों को कुछ भी इंजॉय नहीं करने दिया, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी टाइम मैंने यहाँ पर लगाया था इन लोगों के साथ, बट बस एक नया इन्होंने कुछ ट्राई किया है पेपर बोट करके ही, कुछ नया आया है कोल्डिंग कि आई थिंक हम लोगों ने तो फर्स्ट टाइम ही इसको देखा, तो उसी को टेस्ट कर रहे हैं बच्चे। ऑरेंज फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर, लीची फ्लेवर था, पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर थे। एक्चुअली क्या ना कि हम लोग का भी बचपन इतना सुंदर बीता है, इतना खुशहाल बीता है, तो अपने बच्चों को भी चाहते हैं हम लोग कि हम लोग अपने बच्चों को वैसा ही एकदम रिलैक्स माहौल दे, कोई कंपटीशन वगैरह ये नहीं कि तुम फर्स्ट आओ, टॉप करो, ये करो, वो करो, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पसंद है पर्सनली। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे एकदम कूल अच्छे से एक सिंपल लाइफ स्टाइल को ही फॉलो करें, शो ऑफ करके कुछ नहीं मिलता, असलियत सामने आई जाती है और अपनी ओरिजिनलिटी की जो कीमत होती है बनावटीपन की नहीं होती है। तो एकदम ओरिजिनल रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अब हम लोग निकल गए हैं घर की तरफ, ये कुछ चेंज हो गया है पूरा, मतलब ज़्यादा नहीं दिखी साइड साइड की जो शॉप है ना कुछ चेंजेस आई हैं, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, देख के भी समझ में आ रहा होगा। काफ़ी इजी हम लोगों को लगा रोड पे चलते हुए, जैसे डर था ना कि कैसे बच्चों को पैदल लेके जाऊँगी, वहाँ पर रिक्शा वगैरह अलाउ नहीं है अभी तो इस वजह से, लेकिन काफ़ी अच्छा हम लोग अच्छे से मतलब घूमते फिरते हम लोग घर पहुँचे, ये नहीं धक्का मुक्की ऐसा कुछ नहीं। और मार्केट तो इतना सजा हुआ था ना, और स्टार्टिंग अब देखिए सुबह हो रही है, मतलब थोड़ा दोपहर हो रहा है तो रश हो रहा है, तो जिनको दर्शन वगैरह करना था वो मॉर्निंग से ही निकल जाते हैं इंजॉय करते हुए। अब देखिए सब मैक्सिमम लोग, अब भीड़ बढ़ेगी धीरे धीरे। ये निकलने गोदलिया चौराहे की तरफ, ये हमारे राइट साइड में मारवाड़ी हॉस्पिटल है जहाँ आराध्या का जन्म हुआ था, और बगल में ही मेरी मम्मी का घर है। और यहाँ ये देखिए नंदी महाराज जी विराजमान है यहाँ पर, मैंने बच्चों को दिखाया जूम करके, मतलब रिकॉर्डिंग करी थी और बच्चों को दिखाया भी कि ये नया कुछ वहाँ पे बना हुआ है, काफ़ी पुराने पुराने रह चुके लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये पार्किंग है पूरा, ये सारा पार्किंग, ये जब पुराना था इसको टांगा स्टेशन कहते थे, टांगा स्टेशन ऐसे कुछ कहते थे, तो उसको चेंज करके पूरा पार्किंग बना दिया गया है। इधर था ये, और ये सॉल्ट सेलर है, नमक मक, अब ठंड में जानते हैं अमरूद वगैरह हम लोग खाएंगे तो अब ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत प्यारा लगा, 20 रुपीज़ पेयर, कांट इमेजिन, अगर मैं ये कहीं और से लेती ना आई कांट टेल यू द प्राइस, बट ये सिर्फ 20 रुपीज़ का है। और ये बहुत क्यूट लगा, ये मैंने ऐसे ही ले लिया पर्पसली, ऐसा कुछ नहीं था कि इसकी ज़रूरत थी, बट ये बहुत सुंदर लग रहा था मुझे तो मैंने इसे ले लिया। अब इसमें कुछ रखूँगी देखूँगी, और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, सिंघम वाली जीप लिए, ये मैंने ली अपने पसंद से क्योंकि ये जीप हम लोग सिंघम मूवी में देखते हैं उड़ते हुए ना, तो ऐसे ही जीप लेकर के उसकी शूटिंग होती होगी आई थिंक सो, असली के तो वो जीप अपने ख़राब करेंगे नहीं, उसको ब्लास्ट व्लास्ट करते हैं सब मूवी में। और ये फ्लूट लिया था आराध्या ने, आराध्या थोड़ा म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा उसका रुझान है, म्यूज़िक, डांस, सिंगिंग, एवरीथिंग। ये देखिए थोड़ा सा ये ट्रेन मैंने अद्विक के लिए लिया था कलर्स बचाने के लिए, और ये मैंने कुछ आर्टिकल्स लिए ब्यूटी आर्टिकल्स, ये क्या बोलते हैं इसको, नेकलेस बोलते हैं, काफ़ी दिनों बाद एक्चुअली लॉकडाउन में हम लोग ऑनलाइन इतनी शॉपिंग की है ना मीशो से और इधर उधर से कि लगता था कि बस अब ख़त्म हो गया ये ब्लॉग भी। और होप सो आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा,
अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अच्छा करे तो शेयर भी करिए। और ये ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ वापस आपको मैं ले चल रही हूँ फ्लैशबैक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।